मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी का, मंत्री भगवत कराट साहब का अभिवादन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि कोविड के इस क्राइसिस में भी उन्होंने जिस तरह से गांव, गरीब, किसान, पिछड़े, मजदूर, महिला, बच्चे, दिव्यांग, जो हमारे मित्र गौरव गोगोई साहब बता रहे थे, उसकी चिंता की है, वो काबिले तारीफ है। क्योंकि पिछले दो साल से जो देश दुनिया के हालात हैं कोविड के कारण, कोई ऐसी इकोनॉमी नहीं है दुनिया की, चाहे वो यूएस की इकोनॉमी हो, चाहे यूके की इकोनॉमी हो, चाहे यूरोप की इकोनॉमी हो, या हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से लेकर श्रीलंका और सिंगापुर जैसे कंट्री की इकोनॉमी हो, सभी परेशानी के हालत। और चूंकि ये प्रजातांत्रिक देश है, इस देश में एक बड़ी कठिन परिस्थिति है सभापति महोदय, कि एक तरफ आपको इस कोविड के क्राइसिस में लोगों तक कैसे खाना पहुंचाएं, एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि लोगों के रोजगार कम हो रहे थे, स्वाभाविक तौर पर कम हो रहे थे, लोगों की को पैसा खर्च करने की कैपेसिटी कम हो रही थी, और दूसरी तरफ जो मध्यम वर्ग है वो इन चीजों से परेशान हो रहा था। और आज जिस तरह से ये यूक्रेन क्राइसिस हुआ है, उसमें जो समस्याएं डेवलप हुई हैं, जिस तरह से पेट्रोल के प्राइसेस पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं, उसमें से कैसे उनको राहत पहुंचाया जाए, कैसे उद्योग धंधा लगाया जाए, कैसे उद्योगपतियों को सुविधा प्रदान किया जाए, तो ये एक कॉम्प्लिकेशन का एक इतना बड़ा जगह है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कि खाने के लिए भी नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपना घर परिवार इज्जत बचाना है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि रोजगार सृजन करते हैं। इन तीनों के बीच जिस तरह से बैलेंस बनाकर ये फाइनेंस बिल लेकर आए हैं, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर पर बधाई के पात्र। सर, एक हमारे यहां कहावत है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। कांग्रेस के मित्र और अपोजिशन के जितने लोग हैं और जितने लोग बोलने वाले हैं, सर मैं उसको एंटिसिपेट कर रहा हूं कि वो पेट्रोल के प्राइस के बारे में निश्चित तौर पर बोलेंगे, महंगाई के बारे में बोलेंगे, पेट्रोल के प्राइस के बारे में बोलेंगे, और फिर कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को या हमारी सरकार को कि आप 7 साल से हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप 7 साल से हैं, क्या करेंगे। लेकिन हम क्या करें सर, क्या करें? आपने जो चीज छोड़ा है उसके बारे में हमको तो बोलना ही पड़ेगा ना। आप कर्जा छोड़कर गए हो, कर्जा बढ़ा के यदि दर्जा बढ़ाते हो तो हम क्या करें? हम पेपर लेकर आए सर, आज ये पेपर है सर, जो उत्तर सभापटल पर माननीय पेट्रोलियम मंत्री ने रखा था। 2004 में अटल जी की सरकार गई, 2004 से इन लोगों ने 2004 से लेकर 2014 तक एक बड़ी अच्छी सरकार चलाई सर, और केवल इकोनॉमिस्ट थे उसमें सर। लोग कहते हैं ना कि पढ़े लिखे सरकार चलाते हैं, इकोनॉमिस्ट सरकार चलाते हैं, हमारे तरफ होता है कि हमारे यहां टैलेंट पूल कम है, टैलेंट क्रंच है। सारे टैलेंटेड लोग यूपीए में ही थे सर, और हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। आदरणीय मनमोहन सिंह जी बड़े इकोनॉमिस्ट, रंगराजन साहब थे सर, कौशिक साहब थे, मोंटेक सिंह अहलूवालिया साहब थे, रघुराम राजन साहब थे। आप दुनिया के सारे इकोनॉमिस्ट का नाम लीजिए, क्लिंटन के गुरु, ट्रंप के गुरु, सभी गुरु जो है भारत में ही थे सर। और उन्होंने जब ये पेट्रोलियम का प्राइस बढ़ना स्टार्ट हुआ सर, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा तरीका निकाला कि अभी इसको टालो, अभी इसको टालो, अभी इसको टालो, क्योंकि उनको पता था कि एक दिन कांग्रेस समाप्त हो जाएगी, फिर हमको आना नहीं है, तो जो आने वाले लोग हैं उनको हम ऐसी परिस्थिति में धकेल कर जाएं जहां से कि उनकी वापसी का कोई रास्ता जो है नहीं दिखाई दे, क्योंकि वो अनपॉपुलर हो जाएंगे। उनको क्या पता था कि एक ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री हो जाएगा जिसको, जिसके ऊपर की पूरी देश की जनता को, 130 करोड़ जनता को विश्वास है, जिसकी बात पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी फिर से चुनाव जीती। और उन्होंने सर लगभग लगभग 1,44,000 करोड़ का ऑयल बॉन्ड जारी किया सर, और जिसका इंटरेस्ट रेट था 6.35 से लेके 8.4% तक सर। आज
यदि गरीब लोग बैंक में पैसा जमा करने जाए तो उनको 4% 5% से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता है। जो एम्प्लाई हैं ईएफओ के, जो कि आप खुद ही मजदूर के नेता हैं सर, यदि आप देखेंगे तो सरकार को 8.5% से उसको डाउन करने की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में जो है हमारा बैंकिंग सिस्टम सस्टेन नहीं कर पा रहा है। आपने बिना किसी सोच के, सारे इकोनॉमिस्ट ने, सारे यूपीए के लोगों ने ये 1,44,000 करोड़ का ऑयल बॉन्ड जारी कर दिया सर। और आप समझें कि इस परिस्थिति में जब यह लौटाने की बात है, जब 2014 से है, क्योंकि कमिटमेंट है सर, भारत सरकार का कमिटमेंट है, देना है, 1,44,000 करोड़ रुपया हमने लिया और 3,22,000 करोड़ रुपया हमको लौटाना है सर। लगातार चर्चा हो गई, अडानी की सरकार है, अंबानी की सरकार है, होते रहता है सर। जब कांग्रेस की सरकार थी तो हम लोग भी इधर से चिल्लाते थे कि टाटा की सरकार है, बिरला की सरकार है, जो बिजनेसमैन उस समय आगे बढ़ते हैं निश्चित तौर पर। मैंने सारे डिबेट डिस्कशन 1952 से सुने हैं सर, हमको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो ऑयल बॉन्ड है सर, ये ऑयल बॉन्ड जो आप 1,44,000 करोड़ का 3,22,000 करोड़ रुपया दीजिएगा, ये किसको दीजिएगा? कभी आपने देखा है? सारे बड़े बिजनेसमैन जो हैं, जिनकी भी नेटवर्थ 5,000 करोड़ से ज्यादा है सर, उन सबों ने इसमें ऑयल बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखा है। अडानी और अंबानी की सरकार कांग्रेस है सर कि भारतीय जनता पार्टी? मेरा एक सीधा सीधा सवाल है सर। हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। यूक्रेन क्राइसिस के बाद आज लगभग वर्ल्ड मार्केट में $130 से $139 पर बैरल जो है क्रूड के ऑयल हो गए, दाम हो गए सर। क्या करें? हम भी आप ही की तरह नाटक करें? हम भी आने वाले जो जनरेशन है उनको जो है रोड पर भीख मांगने के लिए पैदा कर दें? हमारे प्रधानमंत्री ये नहीं चाहते। हमारे प्रधानमंत्री जी देश को ये बताना चाहते हैं कि ये सिचुएशन है और इस सिचुएशन में महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे, एलपीजी के प्राइस बढ़ेंगे। वोट की राजनीति अलग है, देश की राजनीति अलग है। आज जो बातें कह रहे थे, 15 साल तक गौरव गोगोई साहब के पिताजी वहां मुख्यमंत्री रहे असम में, क्यों ऐसा हालत है? आप फ्री का जो है यदि किसी को बांटना शुरू करोगे, फ्री की बिजली दे देते हैं, फ्री का आपको मकान दे देते हैं, फ्री आपको इन्वेस्टमेंट दे देते हैं, पैसा प्रत्येक महीने दे देते हैं, क्या ये फ्री भी की सरकार आप चलाने की बात कर रहे हैं? और इसमें से इसके बाद आपको लगेगा कि केंद्र उसकी मदद करे? ये हालत थे सर। आपको हमारे देश की ताकत, हमारे प्रधानमंत्री जी की ताकत पर प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? आप ऑयल ब्लेंडिंग की बात करें, आज 20% इथेनॉल, यदि पेट्रोलियम प्रोडक्ट में प्रधानमंत्री जी देने की बात करते हैं, यूपीए चाहता था 5% के लिए, हम जब आए तो 10% देने की बात किए, और आज यदि हम 20% देने की बात कर रहे हैं तो हम ऑयल इंपोर्ट पर अपनी निर्भरता खत्म करना चाहते हैं। यदि आज उस दिन नितिन गडकरी साहब यदि बोल रहे थे कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ईवी चार्ज या हाइड्रोजन के से चलने वाले जो है व्हीकल को यदि बढ़ावा देंगे, और जो होने वाला है 5 साल 10 साल में, तो वही हालत होने वाला है जो 77 तक इस देश में। मैं आपको बताऊं कि यशवंतराव चौहान साहब बहुत बड़े नेता थे, यहां बैठी हुई सुप्रिया जी, यशवंतराव चौहान सेंटर जो है उनका पार्टी का ऑफिस है, वो लगातार जब वित्त मंत्री के तौर पर यहां भाषण देते थे तो एक ही भाषण देते थे कि मैं एक ऐसा वित्त मंत्री हूं जिसको कि यहां के लोगों को खाना खिलाने के लिए अनाज की आवश्यकता है, अनाज मुझे इंपोर्ट करना है। और आज सिचुएशन यह है कि उस दिन पीयूष गोयल साहब बोल रहे थे हमारी सरकार ने 50 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है, जो इंपोर्ट कर रहा था, जो देश इंपोर्ट कर रहा था, आज वो एक्सपोर्ट कर रहा है। और यही मैं कह रहा हूं, 50 बिलियन एक्सपोर्ट पहुंचा। मैं नहीं कहता कि किसी सरकार ने काम नहीं किया, लेकिन 50 बिलियन एक्सपोर्ट हो गया। आज जो हमारी निर्भरता थी अनाज के ऊपर, जो कि बजट का एक पार्ट होता था, आज वो निर्भरता खत्म हो गई और आज हम दुनिया को खिला रहे हैं। उसी तरह से यदि हम पेट्रोल और डीजल पर अपनी निर्भरता खत्म कर लेंगे, हाइड्रोजन आ जाएगा, इलेक्ट्रिक आ जाएगा, क्योंकि पूरी की पूरी रेल जो है वो सारी इलेक्ट्रिफिकेशन पर जा रही है, सारी इलेक्ट्रिक पर चलेगी सर। यदि ये सिचुएशन पैदा हो जाएगा तो कभी भी ये सवाल पैदा नहीं होगा कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, इन्फ्लेशन आ गया। और आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो गौरव जी?
आपकी सरकार में पूरा रिपोर्ट लेके आया हूं कि जो अपोजिशन की सरकार है, वैट और एक्साइज की आप बहुत बात करते हो, जनता की बात करते हो, जीएसटी में क्यों नहीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट को ले आते हो? हम तो कहते हैं, भारत सरकार तो लगातार कह रही है कि आप ले आओ, जिससे कि पैरिटी हो, गरीबों को जो है आपकी सरकार भी फायदा पहुंचाना चाहती है, हमारी सरकार भी फायदा पहुंचाना चाहती है। लेकिन आप गरीबों के लिए चिंतित नहीं हो, किसानों के लिए चिंतित नहीं हो, आप राजनीति करना चाहते हो। मैं केरल में वैट 30% है आपके राज्य में सभापति महोदय, कर्नाटक में 30% था जिसको कि घटा के हमारी सरकार ने 18% किया है, आंध्र प्रदेश अपोजिशन का है सर 36%, महाराष्ट्र जहां पैदा होता है सर, तेल पैदा होता है, बड़ा अच्छा फंक्शन करती है हमेशा, 40% 39.12% 40%, सबसे ज्यादा यदि पेट्रोल और डीजल का कहीं दाम है तो महाराष्ट्र में है। राजस्थान आपकी सरकार है 31% और दिल्ली जहां हम हैं 27%। और फिर आप कहोगे कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो मेरा यह कहना है सर कि आज पूरे देश के सामने ये जो नोशन है कि हम पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा रहे हैं, ये खत्म हो जाना चाहिए सर। दूसरा सर, अब मैं आगे बढ़ता हूं सर, ऑयल बॉन्ड में अभी तक हमने 40,000 करोड़ रुपया जो है इंटरेस्ट केवल दिया है, 40,000 करोड़ रुपया केवल इंटरेस्ट दिया है, और सब अंबानी अडानी को ही दिया है। क्या करें, देंगे? आप एक दिन निकालिएगा, आरटीआई से कहिएगा हमने अंबानी को दे दिया, अडानी को। आप थोड़े कहेंगे कि आपने इस देश को बर्बाद किया था, उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। दूसरा जो इस बजट में दूसरा जो बड़ा अच्छा सवाल है, संयोग से मिस्टर उदासी यहां मौजूद हैं सर, चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए हमने बहुत संशोधन किया है सर। चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए आपको मैं बताऊं कि 2014 में सीएजी की रिपोर्ट आई, सीएनएजी की रिपोर्ट आई, और एक अच्छी बात कहूंगा कि हमारे जो बच्चे हैं, एक दिन कल ही मैं अपने बेटे के साथ बात कर रहा था चैरिटेबल ट्रस्ट पर, तो उसने कहा कि पापा मुझे लगता है कि पढ़ने लिखने से ज्यादा बढ़िया है कि कोई चैरिटेबल ट्रस्ट बना लिया जाए, या नहीं तो कहीं मंदिर मठ या कहीं मौलवी बन जाया जाए या कोई पंडित बन जाया जाए। ये जो करप्शन चल रहा है आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते सर। 2014 में सीएनडीजी की रिपोर्ट आई और सीएनडीजी की रिपोर्ट ने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क किया कि चाहे वो अस्पताल चल रहा हो, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चल रहे हो, और ज्यादा के ज्यादा जो चीज चल रहे थे, क्योंकि बहुत प्राइड होता है कि हमारे पास मेडिकल की इतनी सीटें हैं, हमारे पास इंजीनियरिंग की इतनी सीटें हैं, हमारे पास मेडिकल बहुत फैसिलिटी है। और कराड़ साहब, आप जिस राज्य से आते हैं, महाराष्ट्र में कोई भी ऐसा बड़ा आदमी नहीं है, बिजनेसमैन ऐसा कोई बड़ा नहीं है, कोई इतना पॉलिटिशियन बड़ा नहीं है जिसके पास कि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं। और सीएजी की रिपोर्ट ने कहा कि सारे के सारे फ्लॉ है। इवन जो एक बड़ी कंपनी है, नाम नहीं लेना चाहता मैं सर, उन्होंने एजुकेशन के नाम पर बाहर जो है मेरे राज्य से जो कि आगे बढ़ा, मेरे राज्य के कारण आज मुंबई को पैसा दे रहा है, उस राज्य ने मेरे यहां एक भी इंस्टीट्यूट नहीं बनाया सर, एक भी इंस्टीट्यूट नहीं है, एक भी अस्पताल बढ़िया नहीं बनाया, लेकिन उसने हार्वर्ड में, उसने ऑक्सफोर्ड में, उसने ब्राउन में लगभग इस देश का 3,000 करोड़ रुपया दे दिया सर, बिना आरबीआई के परमिशन के, बिना रेवेन्यू के परमिशन के 3,000 करोड़ रुपया दे दिया पूरे टाटा ट्रस्ट ने सर। और क्यों उसके ऊपर इन लोगों ने क्यों नहीं क्वेश्चन किया? मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि 2004 से लेकर 2014 तक उस टाटा ट्रस्ट ने कितने पॉलिटिशियन हैं, इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिशियन, कितने ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनके बच्चों को उन्होंने स्कॉलरशिप देके पढ़ाया, कितने ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं जिनके बच्चों को उन्होंने स्कॉलरशिप देकर पढ़ाया, कितने ऐसे पत्रकार हैं जिनके बच्चों को उन्होंने स्कॉलरशिप देके पढ़ाया, और बिना आरबीआई के परमिशन के, सीएजी के रिपोर्ट के आने के बावजूद भी सर इन्होंने चैरिटेबल ट्रस्ट को उगने दिया। आज बच्चों की पढ़ाई जो है प्रॉपर नहीं हो पाती है। या आप स्टेट की बात करते हो, स्टेट कंसेशनल रेट पर उनको जमीन देता है, स्टेट
हॉस्पिटल बनाने के लिए जगह देता है और आपने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारी, मैं जहां रुका हुआ था सर, कि हम और उदासी जिस कमिटी के मेंबर थे, हमने कहा कि नथिंग डूइंग, कुछ नहीं होना है, और पीएससी की एक प्रॉपर अच्छी रिपोर्ट बनाई सर, कि यदि किसी को कंट्रोल करना है, यदि यदि इसमें कुकुरमुत्ते की तरह उग आए एनजीओ को यदि कंट्रोल करना है तो सबसे पहले चैरिटेबल ट्रस्ट पर। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बजट में यदि किसी लूपहोल्स को उन्होंने रोका है तो चैरिटेबल ट्रस्ट के लूपहोल्स को रोका है सर, उन्होंने सारे अमेंडमेंट किए। इसके बाद मैं आपको बताऊं चेयरमैन सर, ब्लैक मनी की बहुत बात आती है, बड़ा बड़ा प्रिय सब्जेक्ट है सर। 2011 में मेरा सीट वो 543 था, 545 सर, सबसे अंतिम सीट था, 545 ही इस लोकसभा की स्ट्रेंथ है, मेरा नंबर 545 था सर। हम लोग एक ही मोहल्ले, मैं, अर्जुन मेघवाल जी, हम लोग सब साथ ही बैठते थे, उदासी साहब। तो मैंने वहां से भाषण देते हुए कहा कि यूपीए सरकार के तीन ऐसे सांसद हैं जिनका कि अकाउंट लिंचनस्टेन बैंक का अकाउंट आया था, लिंचनस्टेन का अकाउंट आया था, और मैंने जो है इस फ्लोर ऑफ द हाउस में उसको डिस्क्लोज किया था। उस वक्त माननीय यहां के वित्त मंत्री जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने प्रणब मुखर्जी साहब थे, उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उसमें एक मंत्री थी सर, मतलब कांग्रेस की एक मंत्री भी थी। मेरे भाषण पर एक पीआईएल हुआ सर, हर्ष रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल किया और उस पीआईएल को शांति भूषण जी और राम जेठमलानी जी ने उस केस को लड़ा। राम जेठमलानी जी का अब नहीं है और शांति भूषण जी का इतना ही योगदान था कि मेरे भाषण पर जो पीआईएल हुआ उस पीआईएल का केस उन्होंने लड़ा, क्योंकि जब लोकसभा में कोई जवाब नहीं आएगा तो सुप्रीम कोर्ट देखेगी, और सुप्रीम कोर्ट में वो केस चलता रहा। और सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में सर, 2012 में कहा कि एसआईटी बनाओ, ब्लैक मनी की एसआईटी बनाओ। 2012 से लेकर 2014 तक सर, ये यूपीए की सरकार, क्योंकि इसको भ्रष्टाचारियों को बचाना है। आज जो कांग्रेस पार्टी की दुर्गति है सर, उसके पीछे रीजन यही है, देश के लिए कोई काम नहीं करना है। दो साल तक ये बैठी रही और जब माननीय मोदी जी ने 27 मई को शपथ लिया तो सबसे पहले कैबिनेट में उस एसआईटी को बनाया जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। और आज आज मैं आपको बताऊं कि इसमें कैश ट्रांजैक्शन के लिए सेक्शन 68 में एक बड़ा संशोधन लेकर यह सरकार आई है। क्यों लेकर आई है सर? हसन अली का मामला हो, काशीनाथ टपोरिया का मामला, लाखों लाख करोड़ सर केवल कैश ट्रांजैक्शन हवाला के माध्यम से जाते रहे, कोई माए बाप नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। हसन अली का पैसा चला गया सर, काशीनाथ टपोरिया का मामला चला गया, आज भी हवाला के माध्यम से कितने पैसे गए उसके बारे में कंप्लीट जो है हिसाब किताब नहीं नजर आ रहा है। भारत सरकार ने यह काम किया। आपको पता है सर कि पिछले बजट में जब लगातार हम पिछले 7-8 साल से जो काम कर रहे हैं उसमें हमने कह दिया कि 2 लाख से ज्यादा जो है आप कैश ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। कितना बड़ा आंदोलन हुआ सर, सारी जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री जो है रोड पर आ गई, सबों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने वोटर को नाराज करती है। हमारे भी कई एक सांसद सर माननीय प्रधानमंत्री जी से लगातार ये आग्रह करते रहे कि ये तो हमारा बनिया वर्ग जो है, हमारा वोटर है, ये नाराज हो जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिसको नाराज होना है हो जाए, हम वोट की राजनीति नहीं करते, हम इस देश की राजनीति करते हैं, हमको साफ सुथरी राजनीति करनी है। और आज जो है यह हम सक्सेसफुल हुए हैं और इसमें सेक्शन 68 में हम ये संशोधन लेकर आए हैं कि यदि आप किसी को कैश ट्रांजेक्शन दीजिएगा, किसी कंपनी में इक्विटी लीजिएगा, तो आपको आप बताना पड़ेगा कि यह पैसा कहां से लेकर आए। क्या हम ब्लैक मनी के ऊपर काम नहीं कर रहे? स्विस बैंक से कितने पैसे लाए? स्विस बैंक का मैं चाहता था सर कि रेवंत रेड्डी बोले, क्योंकि मुझे पता है कि अधिजल गगरी छलकत में 15 लाख डालने के लिए कहा था वो भूल गए। मैं स्पीकर महोदय चाहता था आज तक कबीर का एक दोहा है सर, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तल शीतल करे, आप हो निर्मल हो। मुझे लगता था कि मैं आराम आराम से अच्छी अच्छी बातें करूंगा सर। इसी पार्लियामेंट में मैंने बोला कि ब्लैक मनी में बड़ी समस्या है, क्या है उसका पीछे रीजन। ये जो बात करें स्विट्जरलैंड से कितना पैसा है सर,
हमारी सरकार आने के पहले, क्योंकि इनको तय हो गया था 2012-13 तक, इनको पता चल गया था कि अब किसी कीमत पर यह सरकार वापस नहीं आनी। तो इन्होंने क्या किया कि स्विट्जरलैंड के साथ जो है डीटीए शामिल, मतलब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो डीटीए होता है सर, वो स्विट्जरलैंड के साथ कर लिया और उसमें कहा कि आपको डिस्क्लोज करेगा। जैसे हमने फटका साइन किया अमेरिका के साथ, स्विट्जरलैंड के साथ जो एग्रीमेंट साइन किया इन्होंने सर, वो ये कहा कि 2016 से 2012 में एग्रीमेंट, राजकुमार बाबू आप तो गृह सचिव रहे हैं, कि 2012 में एग्रीमेंट साइन किया कि जब 2016 आएगा 2016, जब इनको पता था कि जब ये सरकार में नहीं होंगे, तब आप हमको बताना कि हमारे किस आदमी का अकाउंट है। आप ये बताइए सर कि 4 साल जो पैसा आपके देश का चोरी करके ले गया है, वो इंतजार करेगा कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, उसमें फंसना नहीं? जितने लोग थे सर 4 साल में, वो सब पैसा लेके चले गए, सबों ने अकाउंट को ट्रस्ट में कन्वर्ट कर लिया सर। ट्रस्ट में यहां के जो बिजनेसमैन है, जो पैसा लेके गए, जो यहां के भारत सरकार का पैसा, बैंक का पैसा लूट कर गए सर, उन्होंने ट्रस्ट बना लिया, वो ट्रस्टी वहां का लोकल नागरिक है। और यदि मैं भारत के लोगों का नाम लेने के लिए जाऊंगा तो वो वहां के लोकल लोगों का नहीं पैसा बताएगा, और जितने पैसे हैं सब उन लोगों ने ट्रस्ट में कन्वर्ट कर लिए। और इसके बाद ये कहते हैं कि स्विट्जरलैंड से कहां से पैसा आया, करो आप भरे हम, ये हालत है सर। इसके बाद मैं ऐसा है सर कि तीसरा जो है, जो पॉइंट है सर, जो कांग्रेस ने कहा क्रिप्टो करेंसी, हमारे दिल से, और जिन्होंने उठाया इस मुद्दे को सबसे पहले शिव कुमार उदासी साहब स्टैंडिंग कमेटी में, हम लोग 2012-13 से आज क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है सर, आज डिजिटल करेंसी की बात होती है, इन लोगों का कैसा विजनलेस आदमी थे, मैं यही बता रहा हूं कि 2012-13 से लगातार हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते रहे सर। और कोई भी ऐसा गवर्नर हमारे सामने अपीयर नहीं हुआ, चाहे वो सुब्बा राव साहब हों, चाहे रघुराम राजन साहब हों, चाहे उर्जित पटेल साहब हों, या आज के वर्तमान जो गवर्नर हैं, उस वक्त सेक्रेटरी भी थे और आज गवर्नर हैं, शक्तिकांत दास साहब, कोई भी ऐसे आदमी नहीं रहे जिन्होंने ये नहीं कहा कि ये जो है डार्क नेट पर चलता है, ये क्रिप्टो करेंसी जो है केवल ड्रग्स के पैसे के हवाला का एक दूसरा रूप आने वाला है और इसको रोकने का प्रयास होना चाहिए। हमारी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है 2013 की, कि हमने उस रिपोर्ट में जो है इस चीज का मेंशन किया कि देश का आने वाला, दुनिया का जो आने वाला खतरा है वो क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी। 2013 से लेकर 2014 तक 1.5 साल जो है यूपीए की सरकार रही सर, इसके ऊपर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। आज जो सिचुएशन है, वो बिल की बात करते हैं, अब बिल कब आएगा, नहीं आएगा, लीगल है, इलीगल है, इसका दूसरा सवाल है सर, लेकिन जो सिचुएशन पैदा हुआ पूरी दुनिया में जो सिचुएशन पैदा हुआ कि आज जो है, यदि आपको करप्शन करना है, किसी को यदि पैसा देना है घूस का, तो वो क्रिप्टो में जा रहा है, किसी को ड्रग्स खरीदना है वो क्रिप्टो में जा रहा है, और पूरी दुनिया इससे परेशान है सर। और पूरी दुनिया इसीलिए परेशान है कि जो करेंसी है हमारी, उस करेंसी में हमको पता है कि कितना करेंसी छपा इस देश में, कितनी करेंसी है, उस करेंसी का कितना उपयोग होगा, कितना उसका इंपोर्ट बिल है, कितना उसका एक्सपोर्ट बिल है, और इसको सेंट्रल बैंक पूरी दुनिया में रेगुलेट करती है। लेकिन ये जो क्रिप्टो है, इस क्रिप्टो का कौन मालिक है, ये आज तक यही पता नहीं चला सर। अलग अलग एक्सचेंज बन गए हैं, अलग अलग चीजें बन गई हैं, और भारत सरकार और पूरी की पूरी जो, चाहे RBI हो, चाहे इनकम टैक्स हो, सभी इसके लिए चिंतित है कि ये इस तरह के पैसे जो है कैसे आ गए हैं। तो क्रिप्टो करेंसी के लिए सबसे पहला भारत सरकार को ये था कि आज के लोगों को, आज के जो बच्चे हैं सर, हमारे पॉकेट में यदि कैश 10-20 हजार नहीं हो तो मैं तो अपने गाड़ी में नहीं बैठता सर, मैं तो पैदल टहलने भी नहीं जाता, लेकिन मेरे बेटे के पास यदि 5,000 भी रुपया होगा, आज का जो जमाना बदला है, उसको लगता है कि एक बोझ हो गया। लोग जो है कार्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग जो है डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो भारत सरकार ने इस बजट में जो सबसे बढ़िया काम किया कि वो RBI को जो है डिजिटल करेंसी की तरफ आगे बढ़ाया। क्रिप्टो का जहां तक सवाल है सर, कि क्रिप्टो में जो लूप होल्स था, वो 30% जो उन्होंने टैक्स लगाने की बात की है,
उसमें चाहे घाटा हो चाहे नफा हो या 1% टीडीएस लगाने की जो बात की है, एक बहुत बड़ा योग कदम है कि जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर लिया। और आज के ही अखबार में यदि आप स्पीकर महोदय देखेंगे, सभापति महोदय देखेंगे, तो आज ही के अखबार में फ्रंट पेज पर इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा है कि पूरी की पूरी जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है वो हिली हुई है भारत सरकार से, कि जिस तरह से इसके तरफ इस दिशा में जा रही है वो एक तरह से समझिए कि क्रिप्टो को आज नहीं कल बैन होना ही होना है। और भविष्य की करेंसी जो है, जो दुनिया की करेंसी जी डिजिटल करेंसी होगी, तो भारत सरकार अपने विजन के साथ उसी तरफ से बढ़ रही है। इसीलिए डिजिटल करेंसी के बारे में भी मुझे लगता है कि अपने को बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और वो रास्ता ठीक ही होने वाला है। इसके अलावा जो एक बड़ी राहत दी है सर, इस सरकार ने गरीबों को, आम लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को, जिनके पास सीए नहीं है या जो मान लीजिए कि किसी कारणवश उनका अकाउंटिंग छूट जाता है, तो उसको एक बहुत अच्छी राहत भारत सरकार ने दी है कि अब 2 साल के बाद भी आप अपने इनकम टैक्स को रिवाइव कर सकते हैं, मतलब आप फिर से उसको ठीक कर सकते हैं। और ठीक करने में आपको सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा, यदि आप सच नहीं बताएंगे तो समस्याएं आएंगी। और उस समस्या को निजात पाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा यह काम किया है सर। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है और इस पार्लियामेंट को समझने का सवाल है, हम हमेशा इस पार्लियामेंट में चर्चा करते हैं कि गरीबों के लिए अलग कानून है, अमीरों के लिए अलग कानून है। यह फैक्ट है कि हम जिस वोट से जीत कर आते हैं वो गरीबों के वोट से जीत कर आते हैं, और जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनके पास लॉबिस्ट हैं, वो अपना कॉरपोरेट अफेयर्स का मंत्रालय चलाते हैं और उनके लिए लॉबिस्ट तैयार होते हैं। लेकिन जब पार्लियामेंट कानून पास करती है, और ये शोचनीय विषय है क्योंकि हम चर्चा करते हैं कि आईबीसी एक्ट अभी तुरंत बना, 2 साल में आपने उसमें जो है 50 संशोधन कर दिए। कॉरपोरेट बिल हमने बनाया था, कॉरपोरेट एक्ट आप ही की यूपीए सरकार लेकर आई थी 2013 में बना, उसमें भी कम से कम नहीं भी कुछ तो 20 बार 25 बार संशोधन करना पड़ा। कभी इसके तह पर अभी मैंने देखा कि इनकम टैक्स एक्ट में और कस्टम एक्साइज एक्ट में कई एक चेंजेज किए गए, और मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। उसका कारण है, जैसे एक मैं उदाहरण दूंगा सर, ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है कि एक कंपनी है, वो कंपनी अपना टैक्स बचाने के लिए या किसी कारण से वो सब्सिडियरी कंपनी लगाती है और उससे जो है वो पैसा लेकर आती है, और उसका जब टैक्स कम्यूट करने की बात आती है तो कोई डिसीजन कुछ होगा, कोई डिसीजन होगा। ट्रांसफर प्राइसिंग में इतनी बड़ा लिटिगेशन और समस्या होने लगा सर, मैं बस 4-5 मिनट में खत्म कर दूंगा सर, इतनी बड़ी समस्या होने लगी कि दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट किसी कंपनी के लिए अलग, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट किसी कंपनी के लिए अलग, मुंबई हाईकोर्ट का किसी कंपनी के लिए अलग। मैं 10 केस लेकर आया हूं सर, और इतनी बड़ी समस्या होने लगी कि जो अथॉरिटी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की अथॉरिटी है, वो समस्या में पड़ने लगी कि फाइनली हम किसकी बात माने। और इस कारण से एक बहुत बड़ा संशोधन ट्रांसफर प्राइसिंग जैसे और भी 5-7 ऐसी चीजें हैं जिसमें लेकर आए सर। दूसरा जो इस सरकार ने एक बहुत बढ़िया काम किया सर, कि मान लीजिए कि किसी कोर्ट ने किसी मुद्दे को यदि सेटल कर दिया और उसी तरह का कोई केस यदि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चल रहा है, तो जो हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने सेटल कर दिया है उसके आधार पर इस लिटिगेशन को खत्म करना है। क्योंकि आपको पता है कि हम समस्या से समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं, एक बड़ा काम कर रहे हैं, फेसलेस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक बड़ा काम ये भारत सरकार ने इसके ऊपर किया है सर। उसी तरह से इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कही हमारे बहुत ही काबिल मित्र गौरव गोगोई साहब, अब क्या है कि कल मंत्री जी ने बताया कि 1995 में, मैं आपको बता रहा हूं कि विजन नेतृत्व क्या होता है और उस नेतृत्व के क्या फायदे क्या नुकसान होते। एक 1995 में आपने WTO एग्रीमेंट साइन कर लिया, और 96 में जब चिदंबरम साहब, इनके बहुत काबिल, मैं वित्त मंत्री के तौर पर उनका नाम भूल गया, वो और भी काबिल हैं सर, और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, उनका आर्टिकल प्रत्येक सप्ताह पढ़ते रहता हूं, अपने आप को खुश पाता हूं उस आर्टिकल को पढ़ के कि वो किस तरीके से जो है पूरे देश को धकेले। यहीं PMLA का कानून जब लेकर आए तो मैंने उसी 545 में उठकर कहा था सर कि ये PMLA का कानून आप ऐसा लेकर आए हो कि वाइफ और हस्बैंड की यदि लड़ाई होगी ना
तो उसमें भी जेल हो जाएगा। और पता नहीं मेरे मुंह में क्या सरस्वती उस दिन था कि किसी दिन यदि आप उस चक्कर में पड़ गए तो शायद आपके ऊपर भी ये कानून लग जाएगा। और इतिहास गवाह है सर कि उसी पीएमएलए कानून में जो है वो और उनके परिवार के लोगों को जेल जाना पड़ा। इसलिए कानून ऐसा बनाना चाहिए जो सर्वग्राही हो। तो इलेक्ट्रॉनिक का क्या है सर कि 96 में उस नेतृत्व को पता ही नहीं था, 96 में उस नेतृत्व को पता ही नहीं था कि इस देश में मोबाइल, कंप्यूटर, आईपैड, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उसका इतना बड़ा मार्केट होने वाला है। और उन्होंने एक प्राइसिंग जो है फाइनल तय कर दी सर। उस प्राइसिंग के आधार पर आज जो है, मैंने आपको कहा कि इस देश में महिलाएं जो है सबसे ज्यादा गोल्ड और डायमंड के ऊपर चिंता करती हैं, वो खरीदने का कोशिश करती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं है सर जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हमारे यहां इंपोर्ट होकर आते हैं। और ऐसा एग्रीमेंट साइन कर दिया, क्योंकि भारत सरकार एग्रीमेंट साइन करती है, उसके आधार पर चाह कर भी प्रधानमंत्री जी हमारे इंपोर्ट को जो है घटा नहीं पा रहे। तो वो क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि वो सारे टेलीकॉम डिपार्टमेंट और आईटी डिपार्टमेंट से ये कोशिश कर रहे हैं कि आप यही मैन्युफैक्चर करो, हम आपको सुविधा देंगे। जैसे पीएलआई स्कीम लेकर यदि आए हैं, हम आपको सुविधा देंगे। तो इस तरह का काम जो है भारत सरकार कर रही है। और इस बजट में भी चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का सवाल हो, चाहे जेम्स का सवाल हो, चाहे ज्वेलरी का सवाल हो, हमने ये किया है। अंत में सर जीएसटी के ऊपर इन्होंने कहा कि क्या हो रहा है, सारे स्टेट की पावर आपने ले ली, ये कैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। तो रोपा पेड़ बबूल का आम कहां से हो, हम जीएसटी थोड़े लाना चाहते थे। हम तो 2010-11 में आप ही का पॉलिसी था, आप ही की पॉलिसी थी, जीएसटी 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 बिल आपने इंट्रोड्यूस किया, बस दो तीन मिनट सर, जीएसटी बिल आपने इंट्रोड्यूस किया, उसमें कई एक फ्लॉ थे, आपने कमिटी बनाई, केलकर की कमिटी बनाई, मैं ये कह रहा हूं मोंटेक सिंह अहलूवालिया की कमिटी बनाई, और उसमें से आपने स्टेट के सारे पावर ले लिए, आपने ले लिए। तो हमको तो ये देश चलाना है ना, हमको आगे बढ़ाना है। कोई कानून यदि आपने एक बार बनवा दिया या बनाना चाहते हैं तो हम उसको वापस थोड़े ले लेंगे। इनकम टैक्स एक्ट यदि 1961 में आ गया तो उसको हम वापस थोड़े ले लेंगे। इस बजट में सर जीएसटी में हमने संशोधन करके ये काम किया है कि कई एक लोग इनपुट क्रेडिट लेने के लिए और आउटपुट क्रेडिट लेने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है सर, कि अलग अलग कंपनियां बना लेते हैं और उस कंपनियों को 3 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद जो है वो वैनिसिंग कंपनी हो जाती है, वो कंपनी बंद हो जाती है सर। और आज फिर आप धसना टंगाते रहिए, फिर आपको पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। इस कारण से हमने इस जीएसटी के लूपहोल्स को रोकने की कोशिश की है। और आज जो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन है सर वो 1,30,000 करोड़ से ज्यादा है, जो 1,00,000 करोड़ से ज्यादा हम नहीं समझते थे। इसलिए जीएसटी के बारे में भी एक बड़ा संशोधन लेकर हमारी सरकार आई है। मैं केवल अंत में यही बोलूंगा सर कि एक कहा जाता है कि सनय पंथा सनय कंथा सनय पर्वता लांघम, धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ होए। मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, वित्त मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने गांव गरीब किसान के साथ साथ उद्योग की चिंता की, रोजगार की चिंता की, इस देश को आगे बढ़ाने की चिंता की। और ये देश कैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी से 10 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी उसके लिए एक रास्ता बताया। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।